हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त नायरा आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ कि कॉफ़ी हमारी सेहत के लिए और हमारी बालों के लिए कितनी फायदेमंद है। कॉफ़ी एक ऐसा पेय पदार्थ है, यानी कि एक लिक्विड फॉर्म है, जिसको पीने के बाद हम तुरंत जोश से भर जाते हैं, हमारा सारा स्ट्रेस फ्री हो जाता है और हम फिर से काम करने के लिए तंदुरुस्त महसूस करते हैं। लेकिन कितने लोग ये जानते हैं कि कॉफ़ी हमारी बॉडी के लिए तो अच्छी है ही, साथ ही साथ वो हमारे बालों के लिए भी अच्छी है अगर उसे सही मात्रा में लिया जाए तो। इसके इस्तेमाल से रेड स्पॉट, सेल्यूलाइट और बोझिल आंखें ठीक हो जाती हैं, साथ ही साथ बालों के अंदर की त्वचा भी ठीक और स्वस्थ हो जाती है। अगर आपके बाल दो मुए हो गए हैं तो इस समस्या को आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करके भी दूर कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जो कि कॉफ़ी का इस्तेमाल करके हमारे सौंदर्य को और भी ज़्यादा निखार सकते हैं। टिप नंबर 1 है, अगर आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ गए हैं तो आप कॉफ़ी का इस्तेमाल करके भी अपनी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को दूर कर सकते हैं। तो कैसे? अगर आप कॉफ़ी पाउडर का एक हल्का सा पेस्ट बनाकर अपनी आंखों के नीचे अपने डार्क सर्कल्स पे लगाएंगे तो कुछ दिनों बाद ही वे डार्क सर्कल्स हल्के पड़ने शुरू हो जाएंगे और आपकी आंखों से डार्क सर्कल्स को निजात मिल जाएगी। टिप नंबर 2 है स्क्रब। अपने चेहरे को चमकाने के लिए हर लड़की स्क्रबिंग का फॉर्मूला तो अपनाती ही है। बेहतर है कि आप अपनी स्किन पर कॉफ़ी के स्क्रब को अप्लाई करें। इसको बनाना बहुत ही आसान है। थोड़े से पानी के साथ थोड़ी सी कॉफ़ी को मिक्स करके एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और इस स्क्रब से अपने चेहरे पर मसाज कीजिए। थोड़ी देर बाद इसे धो लीजिए। इस स्क्रब को करने से आपके चेहरे की गंदगी तो साफ होगी ही, साथ ही साथ आपकी त्वचा में बहुत ज़्यादा चमक भी आएगी। टिप नंबर 3 है तेल और ब्लैकहेड्स को दूर करने के लिए। जी हाँ, जिन लोगों को नाक के आसपास तेल निकलने की या फिर ब्लैकहेड्स की प्रॉब्लम है वो कॉफ़ी के लेप को अप्लाई कर सकते हैं। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको कॉफ़ी के लेप को अपने फेस पर और नाक के आसपास सिर्फ 10 मिनट तक रखना है और उसके बाद इसे साफ पानी या फिर नॉर्मल वाटर से धो लीजिए। ऐसा करने से आपके चेहरे की सारी गंदगी दूर होगी, जो आपके नाक के आसपास तेल निकलता रहता है वो भी साफ होगा, साथ ही साथ आपके ब्लैक हेड्स भी दूर हो जाएंगे। टिप नंबर 4, त्वचा को सफ़ेद बनाने के लिए भी आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, डार्क कलर की कॉफ़ी अपने रंग से बिल्कुल विपरीत एक्शन करती है, मतलब बिल्कुल अपोजिट एक्शन करती है। डार्क कलर का होने के बावजूद भी अगर आप कॉफ़ी के लेप को या फिर मास्क को अपने फेस पर नियमित रूप से अप्लाई करेंगे तो आपके फेस का कलर डल से वाइट होना शुरू हो जाएगा। धीरे धीरे आपके फेस टोन में इंक्रीमेंट होना शुरू हो जाएगा। टिप नंबर 5, बालों को चमकदार बनाने के लिए भी आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आमतौर पर लड़कियां बालों को रंगने के लिए मेहंदी का उपयोग करती हैं। अगर आप मेहंदी पाउडर में हल्का सा कॉफ़ी पाउडर मिलाकर फिर इसे बालों में लगाएं तो ऐसा करने से आपके बाल सफ़ेद होने से तो बच ही जाएंगे, साथ ही साथ आपके बालों में चमक भी आएगी। आपके बालों को रूसी से भी निजात मिलेगी और आपके बाल दिन ब दिन खूबसूरत होना शुरू हो जाएंगे। कॉफ़ी को मेहंदी घोलते समय अगर आप उसके अंदर थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर मिला लेंगे तो भी आपके बालों पर गाढ़ा रंग चढ़ेगा। अगर आप मेहंदी के साथ कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप सीधे और सिंपल तरीके से सिर्फ कॉफ़ी पाउडर को ही पेस्ट बनाकर अपने बालों पर लगा सकते हैं। इस प्रक्रिया को नियमित रूप से करने से आपके बालों पर कलर तो चढ़ेगा ही साथ वे सामान्य रूप से काले भी हो जाएंगे और असमय सफ़ेद होना भी बंद कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये थे वो तरीके, वो जादुई नुस्खे जो कि कॉफ़ी में मौजूद हैं, जो कि शायद आपको आज से पहले पता नहीं होंगे। आई होप आपको मेरे ये नुस्खे पसंद आए होंगे। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए YouTube पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। तब तक मैं आपकी दोस्त नायरा आपसे इजाज़त लेती हूँ।